कनाडा के अंदर काफी नेगेटिविटी है। सर ये वैंकूवर के आसपास वाले एरिया में होते हैं। मैं 600 डॉलर आ जाएंगे। पाने को बहुत कुछ है। सरकार को लूट लो। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और ये Good है मॉर्स। गुड मॉर्निंग। आज का दिन बहुत ही अच्छा निकला हुआ है। आज ये समझ का एक ऐसा दिन है जब बड़ी अच्छी धूप है बाहर, देखो मस्त। तो धूप बहुत ही ज्यादा कड़क है, तो हमने इसलिए प्लान बनाया कि हम जाएंगे अभी बीच पे। वो आई थिंक होपफुली किट्सिलानो बीच जाएंगे। और अभी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है हम दोनों की, तो डॉक्टर को भी दिखाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल अपॉइंटमेंट है हमारी। और उससे पहले हमने इसने सारा घर साफ किया, चल रहा है मतलब। हमने इतना गंद बचा रखा था ना पिछले 3-4 दिन से, मैं बता नहीं सकती। और मैंने ना ऑनलाइन देखा था कि या ना आप कोई भी बेरीज या लाते हो तो उसमें से सिरका डाल दो गर्म पानी में, तो मैंने किया। पर अब ये बेरीज का ना बुरा हाल हो गया, अब ऐसा लग रहा है कि खाने भी क्यों है। आई थिंक वो सिरका डाल के ना वो थोड़ा सा ऐसे फैलगी, ज्यादा सॉफ्ट होगी ज्यादा। हाँ, और ये जब भी मार्केट जाती है ना अपने लिए कुरकुरे लाती रहती है खाने के लिए। सफाई करा दे यार, सफाई करा पहले, लेट हो जाएंगे वरना। ओके, मुझे तो साफ सही लग रहा है, आपको कैसा लग रहा कमरा? यार तुझे तो साफ ही लगता है हमेशा, गंद भी पड़ा हो चाहे जितना मर्जी इसको साफ ही लगेगा भाई। या तो तेरी नजरें बहुत अच्छी हैं देख, है ना, या बस मैं क्या ही कहूं। सो गाइस, जिन्हें लगता है कनाडा में लाइफ बहुत इजी है तो आप समझ रहे हो। सो गाइस, थक चुके हैं। हमारे घर में ना मुन्नी होती थी जो ये सारे काम करती थी, तो हम आज ना एक दूसरे को मुन्नी मुन्नी से ही बुला रहे हैं। काम तो वही कर रहे हैं ना सारे। सो दोस्तों, मैंने सैंडविच बना दिए, मोट्स लगी हुई है पास्ता में और प्याज ने रुला दिया। पर पास्ता में एक ट्विस्ट है, हम बना रहे हैं इंडियन स्टाइल पास्ता, क्योंकि बाकी मोड्स बताएगी, क्योंकि हमारे पास सॉसेस नहीं है और सॉसेस बनाने का टाइम नहीं, हम बहुत लेट हो जाएंगे। हाँ, तो हम बस देसी तड़का लगा रहे हैं जैसे अपन बाकी चीजों में लगाते हैं। yes. और उसमें पास्ता का फ्लेवर देंगे। yes. आप देखना, वो भी कैंड बनेगा। बाकी खा के बताई देंगे कैसा बना, हम भी पहली बार ट्राई कर रहे हैं। ये एक चीज हमने अच्छी ली थी कि ये ना इसके 3 एक्सटेंशन आते हैं, मतलब वॉफर भी बन जाता है, ग्रिल भी हो जाता है, और जैसा मुझे सैंडविच बनाना वैसा भी बन जाता है। तो ये आइटम बड़ी कैंट थी। सो भी मित्रों, हम डॉक्टर विजिट कर रहा है। तो देखो गाइस, मैं बता दूं, यहाँ के डॉक्टर्स आर नॉट दैट इजी, ठीक है? इजी नहीं है, चाहे अच्छा डॉक्टर, बहुत अच्छा डॉक्टर भी हो, तो वो आपको ना कोई भी टेस्ट या कोई भी स्कैन हाँ। इतनी आसानी से नहीं प्रिस्क्राइब करने वाले। तो मतलब आपको भी ना ऐसे बहुत अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ेगा, दैट यू नीड इट, इट इज इंपॉर्टेंट। इट्स लाइक प्रेजेंटेशन, जैसे कॉलेज में प्रेजेंटेशन देते हैं ना कि नंबर तभी अच्छे मिलेंगे। यहाँ के डॉक्टर के जाओ ना, अपने इंडिया में तो देखो सीधा होता था, गए सर यहाँ डॉक्टर दर्द हो रहा है, मेरा पैर फुट दर्द हो रहा है, तो उसने एक्सरे लिख दिया। हाँ, तो आप खुद से भी रेफर कर सकते। हाँ, पर यहाँ पे आपको तो हर टेस्ट के लिए डॉक्टर चाहिए, और डॉक्टर को अगर बोलोगे फुट दर्द हो रहा है वो आपको मेडिसिन देगा, वो ऐसा नहीं है कि एक्सरे लिख देगा। और ऑब्वियसली मतलब ऐसा नहीं है कि जी आज मेरे दर्द हुआ तो मैं आज टेस्ट लिखा लूं, बट एक टाइम के बाद ही आपको भी फील होता है ना दैट इट इज इंपॉर्टेंट। बट अगर कई बार होता है कि यार नहीं यार टेस्ट होना चाहिए क्योंकि कुछ तो सीरियस है, क्योंकि वो आप ही फील कर सकते हो, डॉक्टर वो फील कर ही नहीं पाएगा, पर उसके लिए आपको फिर वो ये अच्छे से प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी। हमने जाना था अभी किट्सिलानो बीच, पर अभी हाँ थोड़ा सा डिले, मतलब बड़ी धूप है, हम धूप का वेट कर रहे थे पर कुछ ज़्यादा ही धूप है, 30 डिग्री टेम्परेचर है। तो हमने सोचा कि अभी आराम से, हम ना आजकल एक नेटफ्लिक्स की सीरीज देख रहे हैं, ब्रिजिटन, होपफुली आप भी देख रहे होंगे, आपको भी पसंद आ रही होगी। मुझे तो है ना, हमें तो दीदी ने बताई थी, तो पहले लगा कि यार मनसा नहीं है, फिर नहीं, जब अच्छी है पर। हाँ, पर एक आधा एपिसोड देखा ना बस, रोज रात को आजकल ब्रिजिटन ही चल रहा है। और ये अभी फिर सफाई पर लग गया आके, मैं नहीं इतनी सफाई कर सकता, उस मेरे तो हाथ खड़े हो जाते हैं। तो बस सफाई मेंटेन कर ले तो बहुत है। कुछ क्या कर रहा है? मैं यार सुन ना, वो मेरा टैक्स रिफंड चेक कर लेना, मेरा भी, तेरा आ गया? मेरा आ गया पर कुछ पेंडिंग है अभी। मेरा भी देख दे,
अच्छा मम्मा कब कहाँ कौन से सिटी में पैदा हुए थे? ब्लॉग में नहीं, मेरे कान में बता दे। पर हाँ इसमें इजी है कि आप अपनी वेबसाइट पे देख लो, मेरे एक दोस्त का भी नहीं आया, उसकी वाइफ का आ गया रिफंड, उसका नहीं आया, मेरा भी कुछ पेंडिंग है, कुछ नहीं आया। पास्ता अपना सेट है, ये प्लेट्स, ये वाली बोल्स लेगा, ये मैं लूंगी, ये इसकी फेवरेट है इसलिए मैं ये वाली लेती हूँ। इसकी वो वाली सफेद वाली फेवरेट है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं लाया ही अपने लिए, क्योंकि इसे ना ऐसे ना कलरफुल ज्यादा पसंद नहीं है मुझे, कभी कभी अच्छी लगती है बस। जी नहीं, इसका कलर वाज नाइस इसलिए मैंने ये वाली ओके की थी, ठीक है ना? ऐसे अगर होती ना कोई जी हरी वरी फिर नहीं मैंने लेने देनी थी। रिफंड आ गया तेरा तो कितना? तूने कितना सोचा था? दो मई को आ चुका है तेरा तो। 600 नहीं आना था? नहीं, मैं 600 पे जाकर गड़ाई पार्टी हूँ। $100 रिफंड नहीं है उसके लिए, मुझे कह रही है रिफंड नहीं आया, रिफंड नहीं आया। ओ यार मैं 600 सोचे बैठी थी, 600 डॉलर आ जाएंगे। सरकार को लूट लो तुम लोग बैठ के। तो गाइस माहौल सेट है, छोटी प्लेट मेरी, बड़ी प्लेट घुल चुकी और ब्रिजटन, एंड अब चलाते हैं। सो गाइस लेट हो गए बट अभी पैकिंग हो रही है। यस देखो मैं दिखाती हूँ कि शो मी। देखो ये खाना पैक हो गया, ये चटाई होगी, ये भी बिछाने के लिए है, कोल्ड ड्रिंक हो गया, ये भी एक्स्ट्रा बिछाने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो, और ये हमारा बाहुबली पानी, पानी हो गया, ये नाइकी की बोतल आज ही काम आ रही है, और एक ये पानी हो गया, और चिप्स हाँ डाल दे। चलो ऑल सेट है, चले जी। अब क्या निकाल रहा है? सोडा ले रहा हूँ, स्पार्कलिंग वाटर। हाँ ये सनस्क्रीन भी रखा था, इतने टाइम से हम यूज ही नहीं कर रहे तो पता ही नहीं था सनस्क्रीन है भी या नहीं। चलो मिल गया, वो देखो छुई मुई की तरह भागती हुई। तू चला ले गाड़ी आज, ठीक है बैठ जा। हैं चलाएगी? हाँ। पर मुझे रिस्क नहीं लेना। कोई काम तो नहीं है उससे भी के? मैंने बोला था विंडो खोल दे थोड़ी सी। अभी तो मैं भी आई हूँ, मैं बड़ा शेड्स का है मेरी, उसी से काम चला लेती हूँ, नीचे से कुछ हो नहीं सकता। जब ऐसे है ना गर्मी होती थी ना, बाइक पे या जब स्कूटर पे बैठते थे, स्कूटी पे बैठते थे तो लगता था कि भाई उस समय ऐसा लगता था नहीं बैठना नहीं बैठना। मैंने तो कितनी बार तो पानी फेंक के फिर कपड़ा मार के फिर बैठा। गाइस सेट हो गए हैं हम अपना सब बिछा के, पर हवा बहुत ज्यादा है, अब बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही है, मतलब इतने ज्यादा टेम्परेचर में भी, क्योंकि हवा है बहुत अच्छी। हाँ पहले रास्ते में लग रही थी ऐसे थोड़ी सी गर्मी, पर अब नहीं है। होता क्या है ना आप बीच पे आते हो और इस लड़की ने आते सारी बोला चल खाने के लिए निकाल ले, तो कुरकुरे खत्म हो गए, ड्रिंक्स खत्म होगी, पास्ता खत्म हो गया, अब सिर्फ सैंडविच बचा, दैट्स इट, थोड़ा सा पास्ता बचा, वो हमने नेक्स्ट राउंड के लिए बचा के रखा है अभी सामान। पर हाँ अगर सरी वैंकूवर के आसपास वाले एरिया में हो तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बीचेस जहाँ पे आप आ सकते हैं। हम हो गए फ्री और अभी टाइम क्या, हमने 3 घंटे लगा लिए और अभी भी अच्छी धूप है, तो हमने सोचा चलो यार घर चलते हैं, थोड़ा ब्रिजटन देख लेंगे हमारे रहते हैं, और अभी 7:15 होने वाले हैं तो हम तो हाँ 8:15-8:30 तक पहुँचेंगे, फिर जाके वही खाना पीना अगर खाया तो मतलब वही लेट हो ही जाएगा। हाँ हमने मतलब काफ़ी अच्छा खा लिया, अच्छा इन द सेंस कि मतलब पेट भर लिया, ओवर ही खाया है, मुझे लगता है सब खाने ही आते हैं यहाँ भी है ना, हमारे यहाँ किसी की पार्टी चल रही है वो भी खा ही रहे हैं। तो ये व्लॉग ख़त्म करने से पहले मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि अभी ना कैनेडा के अंदर काफ़ी नेगेटिविटी है ना, मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स और काफ़ी लोग ऐसे डीमोटिवेट हो रहे हैं, तो डीमोटिवेट नहीं होना, देखो है ना मेहनत करो, जो बंदा आ रहा है या आपका मन है आने का आप सारी चीज़ें देख के आओ, अगर आ रहे हो बस डीमोटिवेट नहीं होना, अपनी तरफ से खूब मेहनत करो, पाने को बहुत कुछ है तो टेंशन नहीं लेनी बस, ठीक है। इसी के साथ जो ये ब्लॉग है ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स
सारा कुछ कर देना ठीक है। मैं अगले ब्लॉग में Thank you.